हेलो फ्रेंड्स, मधुज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बैंगन से बना हुआ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बैंगन अक्सर बच्चों को पसंद नहीं आता है, बैंगन का नाम सुन के ही भी खाना नहीं चाहते हैं। आप इस तरह से बैंगन बनाएंगे तो बच्चे भी उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। मेरे घर में बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए देर ना करते हुए इस आसान सी और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पैन में 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें मैंने डाला है 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 टुकड़ा जावित्री का, 1 तेजपत्ता, आधा चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। जीरा भुन चुका है। आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालूंगी। ये तीखा नहीं होता है, इसे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 2 मीडियम साइज का पिसा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे ग्रेवी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। प्याज को मैंने 5 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। गरम मसाला इससे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है तभी ये टेस्टी लगता है। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। मसाले को भी थोड़ी देर तक भून लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आपको जितना तीखा खाना पसंद हो आप उसी हिसाब से डालें। इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 पिसा हुआ टमाटर डालूँगी। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ढक करके पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है और जब तक ये हमारा टमाटर पकेगा तब तक चलिए हम बैंगन को काट लेते हैं। मैंने 300 ग्राम छोटे साइज का बैंगन लिया है। बैंगन को बीच से काटेंगे और इसे 2 पार्ट में कर लेंगे। अक्सर हम बैंगन बनाते हैं तो मसाले अलग हो जाते हैं, बैंगन अलग रहते हैं और अंदर से ये खाने में फीके लगते हैं। ये खाने में फीका ना लगे अंदर से भी, इसलिए मैंने इसे 2-3 पार्ट में काट लिया है अंदर से, कि जो ग्रेवी हम तैयार कर रहे हैं वो बैंगन के अंदर अच्छी तरह से चला जाए और हमारे बैंगन के सारे जो पीस हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट लगें। इसी तरह सारे बैंगन को काट लेंगे। इधर चलिए मसाले चेक कर लेते हैं। तो ये टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसमें कटा हुआ बैंगन डालूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे। बैंगन को मैंने ढक करके 5 मिनट तक पकाया है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम लो पर कर लिया है। इसे ढक करके पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक हमारे बैंगन अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने बैंगन को ढक करके 10 मिनट तक पकाया है और इसे बीच बीच में मैं 1-2 बार चला दी हूँ। आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी जो है कितना गाढ़ा हो चुका है और बैंगन भी हमारे पक करके सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल ले रही हूँ। बहुत ही टेस्टी हमारा ये बैंगन मसाला बनके तैयार हुआ है। देखिए मसालों की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, कलर कितना अच्छा आया है और बैंगन पक करके बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है। तो आप बैंगन को एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे हम नई रेसिपी में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।